नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेंड करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के पेड़ को फुल पेड़ को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड़ को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8800906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं 7868। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखिए, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है जो, उसका गठन 1975 में हुआ था, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, केंद्र सरकार और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, इसके द्वारा प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस है ना, बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 1993 से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सत्य बताना था, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है जो, वो आपका प्रयागराज में उसकी स्थापना की गई है, तो ये है आपका गलत, क्योंकि उसकी स्थापना जो की गई है वो की गई है लखनऊ में, वो भी बख्शी तालाब जगह है। ठीक है, और दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है जो, वो ग्रेटर नोएडा में है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर है हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखिए, वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट योजना ये है जो, उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ में, कानपुर में और आगरा में चल रही है, तो ये गलत है, क्योंकि ये चल रही है सभी जिलों में। ठीक है, और सेंटर फॉर ई गवर्नेंस की स्थापना है जो, वो 7 मार्च 2006 को हुई थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य वाला इसमें आपको बताना था, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, 2011 के अनुसार राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें जनजातियां हैं जो, उनका परसेंटेज कितना है, 0.6%, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, जालौन, ये दो ऐसे जिले हैं जिनमें क्या है, कोई भी अनुसूचित जनजाति, कोई भी ट्राइब नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें बताना था, सी आंसर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम एससी आबादी वाले और प्रतिशत वाले, दोनों ही में जो सबसे ज्यादा और सबसे कम है वो कौन से है, सोनभद्र हो गया बागपत, सोनभद्र शामली, मिर्जापुर बागपत या मिर्जापुर शामली, तो आंसर हो जाएगा ए, सोनभद्र बागपत। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो ललितपुर में पाई जाती है, सहरिया हो गई आपकी, धुरिया हो गई, भुइया हो गई, तो इन तीनों में से देखा जाए तो सहरिया जनजाति है जो, वो ललितपुर में पाई जाती है आपकी, और जो ये धुरिया है ये आपके पूर्व के कई सारे इलाके हैं वहां पर मिलती है, और भुइया है ये बेसिकली सोनभद्र में मिलती है, सोनभद्र में। ठीक, तो आंसर ए। उत्तर प्रदेश में 2003 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कितनी जनजातियां सूचीबद्ध की गई हैं, 10 की हैं, 12 की हैं, 15 की हैं या 14 की हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। अगला देखिए, थारू समाज के जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय को मानते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि वो हिंदू समाज को मानते हैं, और थारू लोगों का मुख्य खाद्यान्न गेहूं है, ये भी गलत है, उनका मुख्य खाद्यान्न चावल है, और थारू लोगों की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 3 आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर है। अगला देखिए, यूपी 112 है जो, ये 19 नवंबर 2016 से शुरू की गई, तो देखिए ये जो इसमें डेट है ये नहीं याद करना है, लेकिन ये सन याद रखना है, तो ये गलत सन है, ये स्टार्ट हुई थी 2019 से। ठीक है, 26 अक्टूबर थी वैसे डेट, 26 अक्टूबर 2019। ठीक है, उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सेवा है जो, वो 13 फरवरी 2018 से लागू हुई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, ये दोनों चीज़ें याद रखिए, एक तो है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन अलग से भी पूछ सकते हैं 1076, और कब शुरू हुई 2018 में, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वंदे मातरम योजना है जो, वो किस चीज के लिए, गर्भवती प्रेग्नेंट लेडीज को निशुल्क उपचार किस से संबंधित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये आपकी 2004 में स्टार्ट हुई थी ये योजना, और मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की शुरुआत 2000
17 में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्य वाला इसमें बताना था, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए वुमेन पावर लाइन है जो वो है 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन है जो वो 1092 नहीं है, वो है 1098। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत हो गए, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए BLS एम्बुलेंस सेवा है 108 है, जो वो किस चीज के लिए है, रोगियों को शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने हेतु सही है। और ALC एम्बुलेंस सेवा 108 है, जो वो गंभीर रोगियों के त्वरित उपचार हेतु है, ये भी सही है। और आपका जो 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा है, ये आपकी गर्भवती महिलाओं व शिशुओं हेतु है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, उपर्युक्त सभी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय संस्थान है जो वो लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी है, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी मौजूद है लखनऊ में, तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपका मेरठ में है, बिल्कुल सही है, आलू अनुसंधान। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरठ में है, ये भी सही है। खाद्य अनुसंधान है वो मानकीकरण प्रयोगशाला, ये मेरठ में नहीं है, ये आपकी गाजियाबाद में है, गाजियाबाद। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, और आपका ये जो भारतीय लोक कला परिषद है, ये प्रयागराज में नहीं है, ये वाराणसी में है। ठीक है, तो 1 और 2 आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संग्रहालय और उनके निर्देशालय वाली कौन सी जोड़ी। ठीक है, तो ये आपके संग्रहालय हो गए और ये इनके हेडक्वार्टर्स हो गए। तो देखिए, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है, गोरखपुर में है, और जैन संग्रहालय मथुरा में है। ठीक है, और बाल संग्रहालय कन्नौज में है, तीनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन जगहों पर राजकीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, राजकीय कृषि कौन, चार जगह पर है राजकीय कृषि, देखिए कानपुर में है, फैजाबाद में है, मेरठ में है और बांदा में है। ठीक है, ये चारों ही सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है इन सबके नाम क्या है। ठीक है, मेरठ वाले का, बांदा वाले का, फैजाबाद वाले का और कानपुर वाले का। निम्नलिखित कृषि संस्थान में से कौन अपनी जगह के साथ सुमेलित है। देखिए उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम है जो वो लखनऊ में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और आपका जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है, ये भी आपका लखनऊ में है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद है जो, ये लखनऊ में नहीं है, ये आपकी है शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर। ठीक है, और 1976 से 77 में एस्टेब्लिश हुई थी ये, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, 1 और 2। अगला देखिए, राज्य में केंद्रीय मेडिकल कॉलेज हैं जो, इनकी ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में है, प्रयागराज में है, मथुरा में है या आगरा में है, तो ये सभी गलत हैं, क्योंकि टोटल अभी तक क्या है, 2 मेडिकल कॉलेज हैं जो सेंट्रल मेडिकल कॉलेज कहे जाएंगे। और कहाँ कहाँ हैं वो दोनों, एक आपका वाराणसी में और दूसरा आपका अलीगढ़ में। ठीक है, तो आंसर नन ऑफ द अबव, डी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए वर्तमान में राज्य में संचालित कुल राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज कितने हैं, 19, सही स्टेटमेंट है। और आपका जो राज्य में कुल निर्माणाधीन राजकीय एलोपैथिक कॉलेज हैं वो कितने हैं, 9, ये भी सही है ना, तो 9 बनने वाले हैं, 19 पहले से हैं, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखिए सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय व PG शिक्षण संस्थान ग्रेटर नोएडा में है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका नोएडा में है। ठीक है, और राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान नोएडा में है, तो ये भी गलत क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा में, मिसमैच है दोनों, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कॉलेज किन स्थानों में है। लखनऊ में है, गोरखपुर में भी है और सैफई में भी है। ठीक है, कानपुर में नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ए आंसर।
अगला देखिए, लोहिया पार्क है जो ये मैच कर रहे हैं, लोहिया पार्क लखनऊ में है, लोहिया पर्यावरण उद्यान कन्नौज में है, आपका जो लोक भवन है वो लखनऊ में है, ये अभी नया बन रहा है, इसको मुख्यमंत्री का जो नया आवास बन रहा है उसी को लोक भवन बोलते हैं, और एग्रो पार्क है वो बनारस में, ठीक है। तो सभी सही मैच्ड है, आंसर ए बी सी डी। अगला देखिए, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, बिल्कुल सही, और ट्रॉनिका सिटी है जो ये गाजियाबाद में है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है ये आगरा में है, और प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, ठीक है, तो ये भी सही है, आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में संचालित फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला है जो, वो कहाँ पर है, वो आपकी लखनऊ में है, आगरा में है, बनारस में, गाजियाबाद में और मुरादाबाद में, तो देखिए ये सभी जगहों पर ये प्रयोगशालाएं हैं, तो पांचों इसके आंसर है, आंसर डी। उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल हैं वो जिस भी सिक्वेंस में आए हैं उनको आपको लगाना है, तो देखिए सरोजनी नायडू फिर उसके बाद टॉप पर रहेंगी, फिर भूषण मलिक ये सेकंड नंबर पर रहेंगे, फिर एचपी मोदी थर्ड नंबर पर रहेंगे, और कन्हैया लाल आपके फोर्थ नंबर पर, मणिक लाल मुंशी आपके फिफ्थ नंबर पर, ठीक, तो ये सही सीक्वेंस लगा हुआ है, आंसर ए। अब मुख्यमंत्रियों को लगा लीजिए, पहले आपने राज्यपालों को लगाया था, गोविंद वल्लभ पंत सबसे पहले आए थे, उसके बाद फिर डॉक्टर संपूर्णानंद चंद्र आए, फिर भानु गुप्ता आए, और फिर सुचेता कृपलानी आए, ठीक है, ये भी लाइन से ही लगे हुए हैं, आंसर ए। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है जो, वो निम्नलिखित में से किन प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, आपके उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ या दिल्ली के साथ, तो देखिए वो इन तीनों के साथ सीमा साझा करता है, दिल्ली के साथ नहीं करता, आंसर ए हो जाएगा। आप इसको मैप में जरूर एक बार लोकेट कीजिएगा। निम्नलिखित में से लखनऊ किस की सीमा है जो, वो किसको स्पर्श नहीं करती है, ये तो आपको मैप में ही देखना पड़ेगा, है ना, तभी समझ में आएगा। यूपी का मैप खोल के देखिए कि सीतापुर है जो, वो तो टच कर रहा है आपके लखनऊ से, लेकिन आपका जो बहराइच, गोंडा और फैजाबाद, ये तीनों ही टच नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए पश्चिम में काफी हद तक चंबल है जो, वो उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है, तो गलत हो गया क्योंकि वो तो यमुना है जो करती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में दलदली मृदा पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट है जो, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दलदली तो तराई वाले में पाई जाती है, यहां पर कौन सी, ककरीली और पथरीली, ककरीली और पथरीली, ठीक है, तो दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है आपको, तो देखिए अगर इन जिलों की बात करें तो सिद्धार्थ नगर सबसे ऊपर आएगा, फिर उसके बाद संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर, ठीक है, इनको मैप में एक बार लोकेट करके देख लीजिए, है ना, ये सभी नए जिले हैं, ठीक है, इस तरह से लोकेटेड है, आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए भारत के क्षेत्रफल के घटते क्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है, तो नहीं ऐसा नहीं, चौथा स्थान है, फोर्थ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में का जो झांसी जिला है वो सबसे कम वर्षा होती है, ये भी गलत, क्योंकि वहाँ मथुरा है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, तो आंसर डी। और निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में लगाना है आपको, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से, भदोही, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और बनारस, तो सब इन चारों में सबसे बड़ा हो जाएगा आपका बनारस, फिर गौतम बुद्ध नगर और फिर बागपत और फिर भदोही, तो उल्टे लगे हुए हैं सब, आंसर इसका बी हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक वर्षीय फसल चक्र है जिसका, ठीक है, धान मसूर, धान मटर, धान जौ, तो ये तीनों ही फसल ऐसी हैं जिनका एक वर्ष का फसल चक्र है, ठीक है, आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए यह लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है, एक मृदा के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपको पहचानना है कि वो किस प्रकार की मृदा है, तो दूसरा देखिए, ये सामान्यतः ढालों पर, स्लोप्स में पाई जाती है, और सामान्यतः इस मृदा को में तिल और चना ये बोए जाते हैं, तो ये देखिए परवा मृदा है, राकर मृदा है, भुट्टा है या फिर मार है, ठीक है, तो इन चारों में से ये है राकर, राकर टाइप ऑफ मृदा, ठीक, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वायु अपरदन के बारे में कौन से कथन सत्य वाले आपको बताने हैं, तो उत्तर प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मियों के महीने में
अधिक होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेगिस्तानी मृदा का प्रतिशत घट रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि बढ़ रहा है प्रतिशत है जो है ना। और उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, इटावा ये सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं इसके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 और 3 सही है इसका बी आंसर। अगला देखिए, पुष्प उत्पादन वाले जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? कन्नौज है, बनारस भी है, मिर्जापुर भी है और जौनपुर भी है, चारों ही हैं ठीक है पुष्प उत्पादन के लिए फेमस, तो डी हो जाएगा। जेट्रोफा के बारे में देख लीजिए, जेट्रोफा के बीज से प्राप्त तेल का उपयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है, सही स्टेटमेंट है। और जेट्रोफा के रोपण के 1 वर्ष बाद से जो बीज है वो मिलना शुरू हो जाते हैं, तो सत्य वाला इसमें बताना था। देखिए दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 1 वर्ष नहीं 4 वर्ष लगते हैं इसमें ठीक है। तो आंसर ओनली 1 ए आंसर। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग 1944, पशुपालन विभाग का उद्देश्य उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन और पशु पोषण है ना, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भाग में लगभग 20% पशु हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि 20 नहीं है, लगभग 14-15% के आसपास है ठीक है, तो 20 नहीं है। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश के जो भाबरी है जो झांसी में, वो पशु चारा बैंक है वहां पर ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रख लेना है। दूसरा सही है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2 बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में प्रॉपर्टी कार्ड के भौतिक वितरण के लिए एक योजना शुरू की गई है, क्या है उसका नाम? स्वामित्व योजना, धरा योजना, भूमि योजना, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसका आंसर है स्वामित्व योजना। क्या है इसकी फुल फॉर्म? क्या है इसकी फुल फॉर्म? है आपकी सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज ठीक है आंसर। देखिए PMSB निधि योजना है जो, इसके तहत यूपी की जो डिसबर्सिंग लोन की जो रैंक है वो है आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आंसर इसका फर्स्ट, टॉप किया है यूपी ने। ITS रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में घरेलू पर्यटक जो डोमेस्टिक आपके टूरिस्ट हैं वो किन जगहों पे सबसे ज़्यादा आए, देखिए उनका अरेंज है, सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश में टॉप किया इस लिस्ट में, और फिर सेकंड नंबर पे आपका तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश ठीक है, सही सीक्वेंस में लगे हैं, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, ITS रिपोर्ट के हिसाब से विदेश पर्यटक के गंतव्य की व्यवस्था करनी है आपको, तो इसमें जो विदेशी हैं वो सबसे ज़्यादा आए हैं आपके तमिलनाडु में ठीक है, उसके बाद वो आए हैं महाराष्ट्र में, और इसमें यूपी का स्थान है जो वो तीसरा है ठीक है, अलग से भी पूछ सकता है कि अलग से यूपी का स्थान क्या है, तीसरा, तो ये अरेंजमेंट रहेगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा बी। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए पराली जलाने की निगरानी और रोकथाम के लिए एक वन मेंबर कमेटी ठीक है वो एस्टेब्लिश की गई है, तो उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? MB लोकुर रहेंगे, SA बोबदे रहेंगे, AS बोपन्ना रहेंगे या V सुब्रमण्यम रहेंगे, तो देखिए इसके रहेंगे MB लोकुर, आंसर ए। हाल ही में एक किताब है जिसका नाम है बाय बाय कोरोना ठीक है, इसके शीर्षक कौन है? आनंदीबेन पटेल, अरुंधति राय, नरेंद्र मोदी या प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तो देखिए ये हमारी गवर्नर आनंदीबाई बेन पटेल ने लिखा है। ट्रांस यूनियन सिबिल भागीदारी ने किसके साथ MSME कार्ड, ठीक है MSME कार्ड हेल्थ इंडेक्स है जो, उसकी शुरुआत किसके साथ की है? तो इंडेक्स है ना, तो आइडिया लगाइए आप इनमें से, मॉस्पी के साथ की है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ वित्त मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए मॉस्पी के साथ है ना, स्टेटिक्स वगैरह तो यही से आता है, तो आंसर ए। PM मोदी ने हर घर नल योजना है जो, उसकी शुरुआत कहाँ से की है? मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, भदोही, लखनऊ, सीतापुर या फिर गाजियाबाद, नोएडा, तो वो शुरुआत की गई है मिर्जापुर और सोनभद्र से, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, फरवरी 2021 में यूपी का कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव की मेजबानी करेगा? आपका गोरखपुर है, मिर्जापुर है, प्रतापगढ़ है या प्रयागराज है, तो आंसर है इसका गोरखपुर है जो वो करेगा अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव की मेजबानी, कब? फरवरी में, मतलब इसी मंथ में होने वाली होगी या हो गई होगी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो हाल ही में रामसर स्थल में जोड़ा गया? लोनार है जो वो जोड़ा गया, महाराष्ट्र का है ये, ठीक है। सूर सरोवर है जो ये यूपी का है, यूपी में भी आगरा का, ठीक है, ये भी जोड़ा गया, ठीक है। केवला देव है, ये तो पहले से ही है, ये केवला देव घाना आपके राजस्थान भरतपुर में है, ठीक है। तो पहला और दूसरा ए आंसर हो जाएगा इसका। और अब इस स्लाइड को पॉज कीजिए, अपना जो भी आपने स्कोर किया है वो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए चेक करके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।